थ्योरम, ठीक है ना। जैसे गॉस थ्योरम के बारे में आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में, है ना। तो गॉस थ्योरम में आपको रिलेशन बताया गया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज फिगर के लिए वो होता है आपका मतलब चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो उसी एप्लीकेशन का यूज़ करके आपको कुछ मतलब एप्लीकेशन मतलब उसका एप्लीकेशंस क्या है, उसका यूज़ होगा तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, तो वही एप्लीकेशन के बारे में इसमें पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है देखिएगा, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइटली चार्ज रॉड होज होज ए चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, मतलब इन्फिनाइटली लेंथ का कोई चार्ज रॉड है, ठीक है ना। तो इन्फिनाइटली समझते हैं बहुत बड़ा होगा, है ना। मतलब ये आपका एक रॉड है मान लेते हैं इस तरह का, जिसका लेंथ बहुत बड़ा है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है किसी एक पोजीशन पर, ठीक है ना। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा ये, ठीक है ना। ये आपका इन्फिनिटी तक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब इन्फिनिटी लेंथ तक तो रॉड को ड्रॉ करना पॉसिबल है नहीं, है ना। तो हम करेंगे क्या, इसमें कुछ लेंथ ले लेते हैं अपने मन से, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एल लेंथ तक हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी तक जाके, है ना। मतलब जब ज़रूरत पड़ेगा तब, नहीं पड़ेगा तो नहीं भी करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर रेगुलर सिस्टम होता है तो आप कुछ लेंथ के लिए उसको निकाल लेते हैं और उसको फिर इंटीग्रेट कर देते हैं वहाँ तक, जीरो से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। क्योंकि इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉसिबल नहीं, कि इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी चार्ज होगा क्या, जिसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लेमडा, लेमडा मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता चुके हैं, है ना, जितना लेंथ के लिए लिया जाता है उस तरह से। तो इसके वजह से अगर मान लेते हैं कि एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर पी पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं ना कहीं निकालना पड़ता है कि एक पॉइंट पर निकाला जाता है, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस रॉड का हम एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं, मान लें कि एक फिक्स लेंथ ले लेते हैं, इन्फिनाइटली बड़ा रॉड है ना, तो फिक्स लेंथ इतना ही लेते हैं जिसका कुछ लेंथ होगा, मान लें 10 मीटर 20 मीटर कुछ ना कुछ तो होगा ही क्या। और इसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं इस पॉइंट पर। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर जब निकालिएगा, मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 है, ठीक है ना, और इस इंड की वजह से निकालिएगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E2 है, ठीक है ना। दोनों का लेंथ बराबर, ये भी r डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। चार्ज जो होगा यहाँ पर, क्योंकि स्मॉलेस्ट रीजन ले रहे हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ का चार्ज भी बराबर होगा, दोनों तरफ का चार्ज क्या होगा, क्योंकि छोटा लेंथ के लिए चार्ज क्या होगा, छोटा ही होगा। मान लें dl लेंथ ले रहे हैं यहाँ पर, ये dl लेंथ ले रहे हैं और ये भी dl लेंथ ले रहे हैं, तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, है ना। तो क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dl हो जाएगा, मतलब चार्ज दोनों तरफ बराबर होगा, ठीक है ना। Q1 और Q2 क्या होगा, बराबर होगा। मान लेते कि ये Q1 है और ये आपका Q2 है, तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, इसका वैल्यू Q0 है तो इसका वैल्यू भी Q0 होगा आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालिएगा इसमें, मतलब इसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे E1 है, तो E1 का दो कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। मान लें कि एंगल थीटा बना रहा है, ये भी एंगल क्या बनाएगा, थीटा ही बनाएगा, ठीक है ना। इसका दो कंपोनेंट है, E1 का एक वैल्यू आएगा E1 cos थीटा,
और दूसरा कंपोनेंट कहाँ पर होगा, दूसरा कंपोनेंट जो होगा वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है ना। वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, ई वन साइन थीटा हो जाएगा। ई का दो कंपोनेंट आएगा इसका भी, एक होगा ई टू कॉस थीटा और एक आपका आएगा ई टू साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए ई वन ई टू के बराबर है, ई वन ई टू के बराबर है, तो इसमें एक ही कंपोनेंट बच रहा है वाई एक्सिस वाला। मतलब कि अगर आप इतना लेंथ के लिए ले रहे हैं तो भी वाई एक्सिस के लिए बच रहा है, और इन्फिनाइट लेंथ के लिए लेंगे तो भी वाई एक्सिस का कंपोनेंट, मतलब जितना बढ़ाते जाएंगे कंपोनेंट तो वही ना रहेगा, कंपोनेंट तो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। मतलब आप इतना के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ई वन ई टू आया, इसका दो कंपोनेंट है, एक यहाँ पर एक यहाँ आया एक यहाँ आया, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कैंसिल हो गया, वाई एक्सिस का कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब ये हुआ कि अगर इन्फिनाइटी रॉड अगर है इन्फिनाइट लेंथ का और कोई भी चार्ज है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो उसका एक ही कंपोनेंट आएगा, वो किस डायरेक्शन में आएगा, वाई डायरेक्शन में आएगा। ये तो क्लियर हो गया। अभी तो लेंथ जितना बड़ा है उतना हम ले लेंगे, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे फॉर्मूला जब बैठाएंगे तो उसी हिसाब से ले लेंगे क्या, जब वहाँ लेंथ की ज़रूरत पड़ेगा तो, नहीं पड़ेगा तो कोई बात ही नहीं है क्या। तो इसका मतलब है कि यहाँ इन्फिनिटी रॉड के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसका जो डायरेक्शन होगा किसी पॉइंट पर वो वाई कंपोनेंट में ही होगा, एक्स कंपोनेंट में नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिएगा कि हेयर गिवेन सिस्टम कॉन्टेन ओनली वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्स कंपोनेंट जो है इज कैंसिल्ड ईच अदर। एक्स कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वाई कंपोनेंट ही आ रहा है, एक्स कंपोनेंट नहीं आ रहा है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉइंट पी पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द पॉइंट पी इज इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन जो है कॉन्टेन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स डायरेक्शन में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, है ना। तो वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसी को निकालना है जिसमें हमको गॉस थ्योरम का यूज़ करना होगा। पहले तो हमको ये पता करना था कि इन्फिनिटी रॉड की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। अब वाई डायरेक्शन में होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, है ना, उसी का यूज़ करना है, गॉस थ्योरम के जरिए निकालना है, जिसको आप कहते हैं अप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब अप्लीकेशन उसका यूज़ करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो नाउ फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द मेथड ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का मेथड जो होता है उसके ज़रिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। अब उसको निकालेंगे हम, ठीक है, चलिए इसको उतारिए। जैसे आपका रॉड जो है वो इन्फिनेटली है पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका इन्फिनेटली लेंथ का है जिसमें पॉजिटिव चार्ज लिया गया है इस तरह से, तो इन्फिनेटली लेंथ का तो रॉड आप ले रहे हैं तो पूरा इन्फिनेटली लेंथ का क्लोज लूप बनाना टफ है ना। एक छोटा सा लेंथ के लिए हम पहले बना लेते हैं, मान लेते हैं कि एल लेंथ के लिए बना लेते हैं। अगर एल लेंथ के लिए डिफाइन कर दीजिएगा तो इन्फिनिटी भी डिफाइन हो जाएगा, एल का जगह पर इन्फिनिट रख देंगे क्या,
एल आएगा तब, नहीं आएगा तो कोई बातें नहीं है क्या। तो इसके चारों तरफ ये फिगर बनाइएगा, तो चारों तरफ एक सर्कुलर सर्कुलर टाइप का बनेगा ना, सर्कुलर टाइप का बनेगा है ना, ठीक है। ये फिगर कैसा हो गया, सिलेंडर बन गया क्या, सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर का आप सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं आप क्या। तो सिलेंडर का मान लेते हैं कि रेडियस इसका जो है, रेडियस इसका आर है ठीक है ना, लेंथ एल है, तो तीन सरफेस होगा, सरफेस वन, सरफेस टू और सरफेस थ्री होगा आपका ठीक है ना। तो इसमें हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किस रीजन में होगा, इसको डीएस मान लीजिए, छोटा सा रीजन ले लेते हैं डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर होगा ना जी, एक्स एक्सिस पर तो होगा नहीं इन्फिनिटी डॉट की वजह से, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैंने इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ है ठीक है ना, सरफेस इस तरह से, सरफेस डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, यहाँ पर फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स सिर्फ क्या होगा, लेटरल सरफेस की वजह से होगा, मान लें कि ये सिलेंडर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है और एक सरफेस एरिया ऐसे है, तो इसके बीच में 90 डिग्री, एक सरफेस इधर निकला हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों के बीच में फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसके बीच में जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया, मतलब इन्फिनिटली रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सिर्फ लेटरल सरफेस के ही तरफ निकलेगा, इधर और इधर नहीं निकलेगा ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, हेयर गिवन सिलेंडर हुज लेंथ इज एल एंड रेडियस इज आर, देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, मतलब पी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ठीक है ना, ये पी पॉइंट है ठीक है ना, ड्यू टू इन्फिनाइटली चार्ज रॉड ठीक है। तो पहले गॉस लॉ का यूज़ करना है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मतलब क्यू इनक्लोज जो होता है वो ठीक है ना। तो पहले हमको फाइ निकालना होगा फ्लक्स, तो तीन सरफेस है, फोर सरफेस वन, मतलब एस वन के लिए निकालेंगे ठीक है ना, तो एस वन के लिए निकालिएगा तो फ्लक्स फाइव वन कितना हो जाएगा, ई आपका एस वन है ना, तो ई एस वन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ज़ीरो हो जाएगा वैल्यू फ्लक्स वन की वजह से, फ्लक्स टू की वजह से कितना हो जाएगा, मतलब सरफेस टू की वजह से ई एस टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, फिर फ्लक्स जीरो हो जाएगा ठीक ना। सरफेस थ्री की वजह से हम बात करें तो सरफेस थ्री का डायरेक्शन सेम है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही सरफेस थ्री है, लेटरल सरफेस एरिया तो ये है ना, ये लेटरल सरफेस ही है, तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो फ्लक्स थ्री जो होगा आपका ई एस थ्री जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा ई एस थ्री कॉस जीरो डिग्री, मतलब ये आपका आ जाएगा ई एस थ्री है ना, मतलब कि आप छोटा सा एरिया लेंगे तो छोटा सा एरिया ले लीजिएगा, डी एस ले रहे हैं तो डी एस ले लीजिएगा ठीक है ना, तो डी एस हो जाएगा ठीक है ना। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाइ ई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ई डी एस है ना, टोटल सरफेस के लिए क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना इनक्लोज करेगा, देखिए एल लेंथ को कवर कर रहा है तो एल लेंथ के लिए चार्ज कितना इनक्लोज करेगा, लेमडा इंटू एल होता है ना, लेमडा इक्वल टू क्या होता है एल, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ,
तो चार जो इनक्लोज होगा आपका वो हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल, डी एल लेंथ के लिए ले रहे हैं तो डी एल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। मतलब आप जितना लेंथ लेंगे या एल ले रहे हैं तो एल ले लीजिए, पूरा लेंथ के लिए लेंगे तो एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो वैल्यू आपका आएगा वो हो जाएगा लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लीजिएगा, ये हो जाएगा डी एस इक्वल टू एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया जो टोटल होगा वो हो जाएगा आपका 2πRL। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRL है ना, 2πRH होता है, तो H मतलब H के आप L यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा लेमडा L बाई एप्सिलॉन नॉट, L से L कट जाएगा, तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2πεoलेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा आपका, देखिए यहाँ पर L नहीं ना कहीं पर आ रहा है जी, तो लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ से कोई मतलब नहीं, इन्फिनाइट लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्फिनाइट रॉड की वजह से क्या होगा 1/2πεoR होगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ये आपका R होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा आपका इन्फिनाइटली रॉड की वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1/2πεoलेमडा बाई आर हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस आर फ्रॉम द रॉड, रॉड से जितना दूरी पर आप ले रहे हैं, मतलब कि जितना लेंथ होगा, रेडियस हम आर लिए हैं, बड़ा भी ले सकते हैं क्या, उस पर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, लेमडा कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, तारी पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है ना, और डेरिवेशन में पूछा जाता है, ठीक है। वॉट इज द फोर्स बिटवीन स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग चार्ज इतना कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दो स्पेयर है आपका, ठीक है ना, और दोनों स्पेयर के बीच का डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब 0.3 मीटर है, और इसका चार्ज आपका दिया हुआ है 2×10⁻¹ कूलम, इसका चार्ज दिया हुआ है आपका 3×10⁻¹ कूलम। तो फोर्स क्या होगा, एयर में पूछ रहा है, तो 1/4πεoQ1×Q2R2, ये हो जाएगा 9×10⁹, ये 2×10⁻¹, 3×10⁻¹, ठीक है ना। R का वैल्यू है 0.3 का होल स्क्वायर, मतलब ये आपका आ जाएगा 9×6×10⁵-14, ये हो जाएगा 9×10⁻², 9 से 9 कर जाएगा 6×10⁻½ न्यूटन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, फोर्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना कूलम इन एयर, मतलब कि दो स्मॉल स्फीयर है, ठीक है ना, एक का चार्ज दिया हुआ है 0.4 माइक्रो कूलम, 0.4×10⁻⁶ कूलम, ठीक है ना, और दूसरा का दिया हुआ है आपका −0.8 माइक्रो कूलम, मतलब −0.8×10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। एयर में रखा हुआ है जिस पर फोर्स जो लग रहा है, मतलब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो हो रहा है वो 0.2 न्यूटन है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है ये निकाल के बताना है, ठीक है ना। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर्स, तो डिस्टेंस निकालना है तो एफ इक्वल टू क्या होगा, Q1×Q2R2, तो R इक्वल टू हो जाएगा Q1×Q2/F का अंडर रूट, ठीक है ना। तो Q1 का वैल्यू है कितना 0.4×10⁻⁶, Q2 का वैल्यू है 0.8×10⁻⁶, और F का वैल्यू है 0.2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, Q2 माइनस नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड ही लिया जाता है, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे आर निकल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा में बोला है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड
सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट, फोर्स क्या होगा सेकेंड पर फर्स्ट की वजह से, तो फोर्स जो होगा आपका आपका 0.2 न्यूटन होगा, जो फर्स्ट की वजह से सेकेंड पर होगा वही सेकेंड की वजह से फर्स्ट पर होगा, ठीक है। बोला चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी इज डायमेंशन लेस, मतलब ये डायमेंशन लेस है ये हमको चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डायमेंशनली चेक करने के लिए क्या करना होगा, के ई का मतलब क्या होता है, के मतलब डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ई मतलब चार्ज होता है, और जी का मतलब क्या होता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो आपको बताए थे एफ इक्वल टू जो होता है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से k का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, एफ इन टू आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा, k का वैल्यू निकल गया। g का वैल्यू निकालना होगा तो f इक्वल टू क्या होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो g का वैल्यू कितना हो जाएगा एफ इन टू आर स्क्वायर बाई m1 m2 हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्स के टर्म में बदल लेने से ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो डायमेंशनली ये चेक करना है आपको, तो डायमेंशनली k का वैल्यू कितना रखिएगा, एफ इन टू आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, जी का वैल्यू कितना रखिएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ये मास से मास कर जाएगा डायमेंशनली, क्या चार्ज से चार्ज कर जाएगा डायमेंशनली, आर से आर कर जाएगा डायमेंशनली, एफ से एफ कर जाएगा डायमेंशनली, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, मतलब कोई डायमेंशन इसका नहीं होगा। इसको लिखेंगे इस तरह से एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, मतलब सब ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। डायमेंशनली क्या है ये, डायमेंशन लेस है, ठीक है ना। और उसके बाद बोला है कि इसका मीनिंग क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, मतलब रेशियो क्या चीज़ को बताता है ये आपको बताना है, सिग्निफिकेशन बताना है इसका। तो के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी, दोनों में अगर आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे में क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसका रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसको ये सिग्निफाई करता है, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका है, ठीक है। इसको पहले उतारिए तब दूसरा बताते हैं। ये फोर पॉइंट चार्जेस, चार पॉइंट चार्ज है क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है आपका, स्क्वायर के कॉर्नर पर चार चार्ज को रखा गया है, ठीक है ना। क्यू ए बी सी डी, क्यू ए का वैल्यू कितना दिया है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी कितना दिया है -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी कितना दिया है, क्यू सी आपका 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी कितना दिया है -5 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, कॉर्नर पर रखा गया है ए बी सी डी, जिसका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, साइड है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मतलब 0.1 मीटर, ठीक है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, कट कर दीजिए, किसका कॉल है, पागल आदमी है, बोल भी दिया कि 12 बजे तक क्लास होता है, फोन करते रहता है। चलिए देखिए, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है ना। स्क्वायर है आपका ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में कितना चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। सेंटर में आपका है 1 माइक्रोकूलम, है ना। तो
बोला व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स अब क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है ना, सी की वजह से एफ सी। और ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना, तो एफ डी हो गया। और ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, कितना होगा, एफ बी। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, एफ ए, ठीक है ना। इस सब के बीच का डिस्टेंस बराबर है, मान लें एक्स है, निकाल भी लीजिएगा, डायगोनल को आधा करना है ना, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, डायगोनल स्क्वायर कितना होता है जी, रूट टू ए, है ना। तो एक्स निकालिएगा तो डी बाई टू मतलब 1/√2a हो जाएगा, डायगोनल निकल जाएगा, ठीक है ना। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए, सब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ डी, ये कांस्टेंट आएगा निकालने के बाद, है ना। तो जब कांस्टेंट आएगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट एट ओ पर जो होगा सेंटर पर वो हो जाएगा आपका जीरो। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना, निकालने का क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है।